आई एम अ राइटर डायरेक्टर लकी हंसराज। ये आज ही फिल्म हमारी पहली डेब्यू फिल्म है। इसके पहले हम कमर्शियल्स कर रहे थे, टीवी कमर्शियल्स फ्रॉम आवर प्रोडक्शन हाउस पेपर प्लेट पिक्चर्स। सो कहानी ऐसी है कि ये कहानी हमने लिखी थी, दैट इज़ टोटली डिफरेंट कि ये दो जोड़ी की कहानी हमने लिखी थी। बट जब कोविड की सिचुएशन में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन सब लोग झेल रहे थे, इरीटेशन झेल रहे थे, तो सेम मे बी उसी में से एक था। और अपने चार दीवारी के बीच में मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे इसको शॉर्ट करूं और इस जो सिचुएशन को कैसे कॉमेडी में टर्न करूं, बस वही मैंने करने का कोशिश किया है। एंड बस उस सिचुएशन को हमने इस फिल्म में यूज़ किया है और फिल्म का नाम आछी रखा है, दैट्स द थिंग। कहानी ऐसी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, बट ये रैड कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसको एक हॉक्स कॉल आता है, मतलब एक गलत फ़ोन कॉल आ जाता है गूगल के द्वारा। वो ढूंढने के बाद में ऑल ऑफ सडन कुछ गलत फ़ोन कॉल, गलत नंबर मिल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट किलर की जगह रैड कॉन्ट्रैक्ट किलर मिल जाता है। और रैड कॉन्ट्रैक्ट किलर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है ड्यू टू कि कोविड में पैसे कैसे मिल सकते हैं, दैट्स द थिंग। और वो लेने के बाद में वो कैसे जर्नी आगे लीड करता है, आगे जाने के बाद में लॉकडाउन लग जाता है, कैसे फंस जाता है, तो ये कहानी ऐसी है। तो एक रैड कॉन्ट्रैक्ट किलर को एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मिल जाता है, इट वॉज लाइक दैट। सो वहाँ से इंस्पिरेशन था। चैलेंजिंग था 100%, नॉट अबाउट क्रिएटिविटी, बट इट्स अबाउट कोविड। कोविड में ये मेरे सारी क्रू, टेक्नीशियंस, एक्टर्स के साथ में शूट करना और वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखना कि हमको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर रखना है, ये सारी चीज़ें, दैट वॉज अ चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द मेकिंग दिस फिल्म। दोज आर रेस्ट आर ब्रेड बटर एंड कप ऑफ टी, यू कैन से। पूरी टीम के बारे में बोलना है तो सबसे पहले हमारी जो प्रोड्यूसर है कोमल उनावने, इनके साथ में हमारा काम अभी हो गए, मतलब यू कैन से 5 ईयर्स से हम लोग कमर्शियल्स कर रहे थे। एंड बहुत सारी और भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज है जिसपे हम काम कर रहे थे और उसमें से ये एक स्टोरी थी। तो जैसे ही कोविड का एक आइडिया डाल के मैंने स्टोरी उनको सुनाई तो शी गॉट इम्प्रेस्ड एंड शी डिसाइड कि चलो यार हम लोग ये फिल्म बना सकते हैं। आफ्टर दैट आई ट्राइड टू कनेक्ट सो मेनी मोर एक्टर्स, जिनमें से फिर इश्तियाक जी और सुब्रत दत्ता और सुनीता, इन लोगों से कनेक्ट हुआ। एंड देन हम लोगों ने प्लान किया एंड डेफिनेटली फिर हम लोगों ने उसको कैसे मार्क दिया, दैट इज़ यू आर गोइंग टू वॉच इन अ मूवी। यूनिक आपको देखने मिलेगा स्पेसिफिकली ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है। आप ऑडियंस करके आपको सारा खेल पहले से पता है और ये जो कैरेक्टर है कैसे मिस कर रहे हैं एक दूसरे को एक ये सिचुएशंस में, बस इसी में ही आपको यूनिक चीज़ यही देखने मिलेगी कि कैरेक्टर कैसे एक दूसरे का चेंज ओवर करते हैं अलग अलग किरदार निभाने के लिए। कोई रैट किलर है वो जानवरों का डॉक्टर बन जा रहा है, जानवरों का डॉक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जा रहा है, इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर, मतलब दो ही लोगों ने एक बहुत ही अलग अलग तरीके के और भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, आपको फिल्म में अलग देखने मिलेगा। अच्छी इसी के लिए रखा गया था क्योंकि ये फिल्म हम लोगों ने कोविड के सिचुएशन से रिलेटेड बनाया है, नॉट कोविड रिलेटेड, इसमें कोविड रिलेटेड कोई नहीं, बट सिचुएशन जो जैसे ही 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, है ना, उसके बाद में कोविड ने कैसे एंटर किया था, तो वो सिचुएशन में ये कहानी हो गई है ना। इस कहानी का जो उगम है समझ लो ये उस पीरियड में होता है, तो उस पीरियड की सिचुएशन में हम देखते, तो हमने बस इतना ही यूटिलाइजेशन किया कि हाँ चलो उस सिचुएशन की कहानी है तो इसको आछी हम लोग देते हैं, जिसमें एक इंस्पायरिंग आछी है, मतलब क्या है, आप कोई भी लैंग्वेज का वर्ड ले लो पर स्नीज करने के समय आप एक ही सिंगल वर्ड बोलते हो, छी, आप जब छींकते हो तो आछी, बस हर कोई यही, कोई भी तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, बट फ्रॉम दैट वी हैव जस्ट गॉट इंस्पायर्ड एंड वी सेड कि चलो ये टाइटल होगा, सबके लिए एक ही होगा। जाते जाते ये मैसेज जरूर देंगे कि बिल्कुल बेशक आप हमारी फिल्म देखिए, है ना, थिएटर में 25 अगस्त को रिलीज़ हो रही है
आपकी नज़दीक है थिएटर में, आप प्लीज़ जाइए और आपके अगर आपको अच्छी लगेगी डेफिनेटली आप आपके आसपास के लोगों को भी बोलिए तो ही हमारी फिल्म को आगे और पोस्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हाय, मेरा नाम कोमल उन्मनाय है, मैं आंची फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ। मैंने ऑलरेडी एक फिल्म ही प्रोड्यूस की थी, उसका नाम था वन वे टिकट और वो थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी एंड नाउ दैट फिल्म इज़ ऑन प्राइम वीडियो। एक्चुअली आई एम अ बेसिकली एड फिल्म मेकर, मैं जो टीवी कमर्शियल्स आते हैं मैं वो एड कमर्शियल्स बनाती हूँ और ये फिल्म मेरी दूसरी फिल्म है जो अभी थिएटर्स में आ रही है 25 अगस्त को। सो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जाए और ये जो फिल्म है इसको सपोर्ट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म देख के। तो ये बहुत ही फनी एक कैरेक्टर इसमें हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। तो इसमें क्या होता है ना कि काफ़ी बार हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ही मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, मिस आइडेंटिफाई किसी को कर लेते हैं। तो ये स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट ओनली, और कैसे ये एक सिचुएशन जो है वो कैसे एक लाफ राइट में बन जाती है। ऑल आई वॉन्ट कि जो मेरी ऑडियंस है उनको एक अच्छा सा एक फील गुड फिल्म के बारे में वो हंसे, और सब फैमिली के साथ आप ये फिल्म देख सकते हो। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बहुत ही सच बोला है क्योंकि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो होता है उसको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि एक्टर्स, मतलब एक्टर्स भी आजकल, मतलब जैसे कि हम लोग साउथ में देखते हैं तो साउथ में एनी सुपरस्टार कैन वर्क विद एनी न्यू डायरेक्टर और न्यू प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। बट यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि एक्टर्स की, बट आई एम सो ब्लेस्ड कि जितने भी NSG के एक्टर्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। दे आर लाइक बेस्ट एक्टर आई हैव गॉट फॉर माई फिल्म, जिन्होंने जो मेरा स्टोरी है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको जस्टिफाई किया। And I'm really, really happy and I'm really looking forward to that film. Actually, ये जब second जो lockdown हुआ था तब हम लोगों ने शुरू किया था फिल्म, और actually दिक्कतें तो काफ़ी सारी आई, but मेरा जो first priority जो था कि जो भी मेरे set पे है सबसे important उनका health अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। So we have taken all the precaution regarding health, regarding जो भी वैक्सीनेशन है। हम लोग हमारे सेट पे डॉक्टर्स भी होते थे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होवे किसी को, यू नो, सो दैट ऑल प्रिकॉशन वी हैव टेकन। और मुझे एक अच्छा, मतलब मुझे काफ़ी सारे जो टीम मेंबर्स है उनसे मुझे काफ़ी रिव्यू ये मिला कि दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग जॉब, यू नो, क्योंकि कोविड में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर एक प्रेशराइज हुआ है तो वो है फिल्म इंडस्ट्री, यू नो, और फिल्म इंडस्ट्री को लेके, मतलब, और मुझे कुछ ना कुछ तो, मतलब ये फिल्म तो बनानी ही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक मौका भी मैं दूंगी कि चलो भाई कुछ तो जॉब जनरेशन भी होगा और मेरी फिल्म भी की। और बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे इस फिल्म के दौरान मिले, जितना भी मेरा कास्ट, मेरा क्रू, और मैं हमेशा मानती हूँ कि जो भी एक फिल्म बनती है वो किसी एक की नहीं होती, पूरा टीम वर्क उसमें होता है। और मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छी टीम इस फिल्म में मिली। दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत मेहनत से ये फिल्म मैंने बनाई है, और बीइंग अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो भी दिक्कतें आती है, मतलब मैं आपको बयां भी नहीं कर पाती कि कितना स्ट्रगल एक होता है एक प्रोड्यूसर का जब वो फिल्म शुरुआत से लेके जब वो रिलीज़ होती है, थिएटर्स में जाती है। और मैं आपको ये पक्का वादा कर सकती हूँ कि आप ये फिल्म आपके पूरे फैमिली के साथ आप जाके देख सकते हो और इसका मज़ा आप ले सकते हो। थैंक यू मैम। इश्तियाक खान हूँ और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, पन्ना शहर का, और NSD पास आउट हूँ 2004 में। काफ़ी काम किया हुआ है और इस फिल्म का करने का जो कारण था वो ये था कि क्योंकि हमारा पूरा विश्व जो है एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसमें सारे लोग परेशान थे, लोगों की जाने जा रही थी, धंधे जा रहे थे, उस समय इस फिल्म को बनाने का जो लकी जी का सपना था, या लकी जी ने जो मुझे बोला कि मैं चाहता हूँ कि लोग हंसें, लोग इस परेशानी को भूलें, कम से कम अगर 2 घंटे भी हम लोगों को इंटरटेन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। कैरेक्टर मैंने सुना तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, मेरे लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर था, क्योंकि वो मुसीबतों में भी लोग उस कैरेक्टर से जुड़ेंगे, लोग उस कैरेक्टर को देखकर हंसेंगे, तो ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी बात, किसी भी कोई कितने भी सीरियस काम हो, कितना भी सीरियस टॉपिक हो, उसको आप कितने अच्छे से हल्के फुल्के तरीके से दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसलिए ये फिल्म करना मतलब राजी हुआ और ये कैरेक्टर भी मैंने किया, डिज़ाइन किया इसी प्रकार। टाइटल इसलिए रखा है क्योंकि आप कोई भी कहानी एक घटना से शुरू होती है, तो वो घटना कुछ भी हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का पैदा होना, किसी का मरना, या किसी की नौकरी लगना। ये कहानी जो शुरू होती है, जो गढ़ती है, वो छींक से शुरू होती है और फिर कैसे उससे आगे बढ़ती चली जाती है, इसलिए उसका नाम छींक रखा हुआ है, आँख छी रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिल्म देखें और फिल्म बड़ी शिद्दत से बनाई है, कम साधन में बनाई गई फिल्म है, और जैसे कि होता है कि फिल्म बन जाए लेकिन आप लोगों के बगैर अधूरी है फिल्म, तो आप आएंगे तभी ये फिल्म सार्थक होगी, सफल होगी। मेरा किरदार जो है वो जो चूहा मार कॉन्ट्रैक्टर है उसकी धर्म पत्नी का है, संगीता नाम है, और ये लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर, एकदम ही पॉवर्टी लाइन में है जो, और चूहा मार के कोई आदमी कितना कमा सकता है, पर खुश मिजाज हैं और हंसते खेलते ज़िंदगी बिता रहे हैं, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू जब एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या करेंगे लाइफ में, और कॉमेडी ऑफ एरर है ये फिल्म पूरा, इसमें किरदार तो है ही कॉमिक, साथ में लिखाई बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और बड़े प्यार से बड़ी स्मूथली फिल्म हमने लॉकडाउन के दौरान शूट करी थी बदलापुर के पास। जो संगीता का कैरेक्टर है वो बेबाक है और भोली है, लेकिन मुंह फट है, ऐसे नहीं कि सोच समझ के नहीं बोलती है, और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है कि अगर कोई मुसीबत में आ गए, कुछ आ गए, तो ये नहीं कि घबरा के अभी क्या करना है, वो दिमाग लगा के कोई तिकड़म बिठा लेती है। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुब्रत दत्ता, और इस पिक्चर में, मतलब हमारी हिंदी कॉमेडी फिल्म अच्छी में, मैं प्रोफेसर बक्सी का रोल अदा कर रहा हूँ, और 25 अगस्त की रिलीज़ हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें इस पिक्चर को। एक इंडिपेंडेंट कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया लकी हंसराज ने और प्रोड्यूस किया कोमल उनबे और पेपर प्लेट पिक्चर्स। हमारे साथ हैं हमारे मित्र, एनएसजी के मित्र इश्तियाक, सुनीता राजवार और खेमचंद है, जयंत गाडेकर जी हैं, राम जीवन है, तो बहुत सारे लोग हैं, और हम लोगों ने बहुत मज़ा किया क्योंकि लॉकडाउन, बहुत दिन तक हम लोग खाली बैठे थे, उसके बाद ये पिक्चर हमारे झोली में आ गिरा और बहुत ही मज़ा आया क्योंकि बैठे बैठे घर में बोर हो गए थे, और उसके बाद बहुत मज़े किए, तो आप लोगों को भी उतना ही मज़ा मिलेगा इस पिक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन के ऊपर एक फिल्म है जिसमें कॉमेडी होती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, ट्रेलर देखें और लोगों को दिखाएं, शेयर करें, आजकल तो सोशल मीडिया का एरा चल रहा है। ऐसा है, मेरा जो किरदार है वो इस्माइल मेरे किरदार का नाम है, और मैं जो इस फिल्म के जो मुख्य किरदार हैं इश्तियाक भाई, उनका मैं दोस्त बना हूँ, और मैं थोड़ा फ़नी और थोड़ा मतलब लफंडर टाइप का इंसान बना हूँ, और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप सबको देख के मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मेरा जो किरदार है वो मतलब कि छोटे मोहल्ले बस्ती में जो छिछोरे लोग होते हैं, जो अपने दोस्तों को ख़राब करते हैं, बिगाड़ते हैं, उस तरह का किरदार है मेरा, तो मुझे करने में बड़ा मज़ा आया, बहुत खुशी मिली, और करते करते ही इन्जॉय करने लगा, मैं अपने आप किरदार हो गया। मेरा नाम विनर सिंह नाथ है और मैं इस मूवी में रबी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और फिल्म काफ़ी कॉमेडी है, हिलेरियस कॉमेडी, मज़ा आ जाएगा आपको, मैं खुद इस मूवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, और शूटिंग के वक्त तो काफ़ी मज़ा आया था। वो तो बहुत कॉमेडी है कि एक चूहे मारने वाले को डॉक्टर समझ लिया गया है, और पूरा उसमें जो फन आया है, जो कन्फ्यूजन है, और मतलब जो कन्फ्यूजन में जो फन है ना, वो काफ़ी हिलेरियस है। मैं पूरा नहीं बताऊँगा, हाँ। क्योंकि आओ देखो और मौज करो ऐसी फिल्म में। मैं हूँ जयंत गाडेकर, मैं एक्टर हूँ, आप मुझे फिल्मों में देखते हैं, टीवी वेब सीरीज़ में देखते हैं, एड्स में देखते हैं, लेकिन अगली बार मुझे देखेंगे आप एक कमाल की फिल्म, आँख छी फिल्म का नाम है, उसमें आप देखेंगे।
और ये फिल्म कमाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत हटके सब्जेक्ट पर ये फिल्म बनाई गई है। उस समय जब लोग जीना भूल गए थे, लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, उस समय किसी एक बुद्धिमान आदमी ने एक कमाल का आइडिया निकाला कि इन हालातों को मद्देनज़र, इन हालातों के बैकड्रॉप पे मैं क्या कमाल का सोच सकता हूँ, लोगों को थोड़ा सा हंसा सकता हूँ, जीने की नई उम्मीद दे सकता हूँ। तो इसी के तहत लकी हंसराज हमारे जो डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ लकी गाय फॉर दिस फिल्म, उन्होंने ये फिल्म सोची, समझी, लिखी और हमारे लिए बनाई, जिसका एक हिस्सा होने के नाते मैं भी लकी हूँ और हमारे प्रोड्यूसर कोमल ओनावने जी जिन्होंने ये प्रोड्यूस करी वो भी इस फिल्म के लिए लकी है क्योंकि उन्होंने ये फिल्म हम सब के लिए जुटाई, बनाई और एग्जीक्यूट करी। एक कमाल की फिल्म है, रोलर कोस्टर राइड है, बहुत हंसी मज़े का एक लंबा सफ़र है जो हम सब एंजॉय करेंगे जब ये फिल्म आएगी, क्योंकि जैसे हालात थे, हम जानते हैं कि कोरोना काल था, महामारी का काल था, सब डरे हुए थे, मृत्यु का एक भयंकर तूफान सा मंडरा रहा था और ऐसे हालात में भी लोग जीने की कोशिश कर रहे थे, अपने लिए राह ढूंढ रहे थे, कोई किसी की सुपारी दे रहा था, कोई किसी के नाम का बीड़ा उठा रहा था। ऐसे समय में एक मज़ेदार फिल्म कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे एग्जीक्यूट होती, उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आज।